कृष्ण अवतार बच्चों का अनुरोध हर गांव में बच्चे सबसे ज्यादा उपवास रखते हैं और मटकी फोड़ते हैं। बहुत सारे आयोजन आज के दिन होता है, आदिवासी लोग अलग से कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 162 नगरी निकायों में कृष्ण पूंजी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही जो ऐसे वृक्ष जिसे हम प्राकृतिक रूप से बहुत पवित्र भी मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, जिसमें बरगद है, पीपल है, आंवला है, कदम है, ऐसे वृक्ष के भी यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो विलुप्त प्राय हमारे पेड़ हैं, जिसमें गुलर है, पलास है, नीम है, शहतूत है, आंवला है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका भी उन पौधों का भी वृक्षारोपण हम लोग करेंगे। तो एक जैसे ऑक्सीजन बन रहा है उसी प्रकार से उसके साथ साथ और भी निर्माण होगा, तो लोगों के खासकर आने वाली पीढ़ी को हमारे प्राकृतिक पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हो, इसलिए इसका निर्माण किया जा रहा है। सर, कांग्रेस के हाथ में अब जो है राम के बाद कृष्ण भी माना जाए छत्तीसगढ़ में, ये तो सब पहले सबके हैं, ये राम किसी का या कृष्ण किसी का उसका क्या कह सकते हैं, कॉपीराइट नहीं, पेटेंट नहीं है, है ना। दस खान कबीर के बारे में कविता है, उसके भजन कितने प्रसिद्ध हैं दस खान कवि के, अनेक ऐसे मीराबाई कहें, कृष्ण कहें, दस खान कहें, सूरदास, कितने लोग हैं जिसके भक्त हुए और कृष्ण के उपदेश को कौन नहीं जानता सर। लेकिन भाजपा दावा ठोकती रही है इस पूरे, वो केवल वोट के लिए करती है, हमारी यह सांस्कृतिक पहचान है उसको हम देश और दुनिया के सामने ला रहे हैं। हमारे आदिवासी संस्कृति 17 साल इनको मौका मिला, कभी देवगुड़ी नहीं बनाए, कभी गोटुल नहीं बनाए, कभी पंथ तो आप देखेंगे जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वहाँ दामाखेड़ा में 22 करोड़ रुपए का वहाँ तालाब निर्माण कर रहे हैं। गुरु घासीदास जी के जो तपोभूमि है उसका विकास के काम हमने हाथ में लिया है। तो जितने भी यहाँ जैसे बौद्ध सर्किट में आप कहेंगे सिरपुर का, उसको विकसित कर रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ का राम वनगमन पर्यटन पर्पस है, तो छत्तीसगढ़ से जितनी जुड़ी चीज़ें हैं उस सबको हम सामने ला रहे हैं, चाहे यहाँ की भाषा हो, चाहे यहाँ की संस्कृति हो, जीवन शैली है, वो तो सबको सामने लाने का, जैसे हम सब छत्तीसगढ़ के लोग गर्व करते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। बासी डे भी हम लोग मनाए, गोरे बासी का भी ये है कि हम सब जो भोजन करते हैं उसमें भी हमको गर्व की अनुभूति होती है, वो हीन भावना हमको नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, एक तो सब कुछ बदल डाला, कुछ और हैं वो भी बदलने वाले हैं, उनको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है। जो 15 साल तक के जिन लोगों ने राज या शासन संभाला, अब उन नेताओं पर उनको विश्वास नहीं, तो सब कुछ बदल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी जो योजना है, हमारी योजना क्या, हम सीधा राजीव गांधी किसान न्याय योजना 22 लाख किसान परिवार के सीधे खाते में पैसा डाल रहे हैं, 3.5 लाख से अधिक किसान जो भूमिहीन श्रमिक है उसके खाते में पैसा डाल रहे हैं, जो 1.5 लाख से अधिक जो गौपालक हैं उसके खाते में सीधा पैसा डाल रहे हैं। तो हम लोग तो सीधा पैसा डालने का काम कर रहे हैं आम जनता की, लेकिन इन लोगों ने योजना क्या चलाया, उन्होंने चप्पल खरीदा उसमें कमीशन, साइकिल खरीदा उसमें कमीशन, मोबाइल खरीदा उसमें कमीशन, तो इनके राशन भी बांटा उसमें भी धांधली, आज राशन में कोई धांधली नहीं। हमने इस प्रकार से व्यवस्था की, सार्वभौम पीडीएस सिस्टम जो लागू किया, कोई गड़बड़ी नहीं। तो आम जनता को सीधा लाभ देने का काम, लघु उपज खरीदी तेंदुपत्ता से लेके तेंदुपत्ता पैसे से सीधा वो चरण पाद का खरीदते थे उसमें कमीशन खा रहे थे, गरीब आदिवासी कैसे कमीशन खाते थे, हमने सीधा 4,000 प्रति मानव बोरा जैसे किया, 65 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो आम जनता की जेब में पैसा जाए। और ये लोग कार्यक्रम बनाते थे कैसे कमीशन खाया जाए,
इनके योजना, ये किस बात के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अच्छा,